जब आया था तब थोड़ा सोच रहा था कि क्या होगा, इस प्रकार की फिल्म ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं थी, पर देखने के बाद ये लगता है कि ये बहुत ही एक बहादुर प्रयास है, क्योंकि आज के माहौल में जब नफ़रत की आवाज़ इतनी बुलंद होती जा रही है, तब ये पैगाम लेके आना अपने में ही एक बहुत जिसकी प्रशंसा होनी चाहिए ऐसा है, क्योंकि इस माहौल में फिल्म के माध्यम से एक विपरीत संदेशा, एक प्यार का संदेशा देना, और ऐसे माहौल में जब शायद बनाते वक्त ये उनको शायद ख्याल भी होगा कि ये फिल्म रिलीज भी हो पाएगी या नहीं, तब भी बनाना इस फिल्म को, ये बहुत प्रशंसनीय है। मुझे लगता है कि ये फिल्म लोगों ने देखनी चाहिए। ये फिल्म मैं एंटरटेनर नहीं कहूँगा, इट्स एन एजुकेटिंग फिल्म, और ये बात सोच लोगों ने ध्यान में रखनी चाहिए, लेकिन आज इस प्रकार से एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, इस प्रकार से विचारों का आदान प्रदान होना, और कई वो बातें जो आज फिर से उछाली जा रही है, एक तरीके से हमारे समाज में विभाजन करने के हेतु से, तब ये बहुत ज़रूरी है कि इस आवाज़ को भी उसी मजबूती से पेश किया जाए, इस संदेश को भी उसी मजबूती से पेश किया जाए। इसलिए मैं तो सराहना करूँगा फिल्म मेकर्स की और पूरी टीम की, क्योंकि जिन जिन ने इसमें भाग लिया होगा उन्होंने उसके बनाने के दरमियान ये सोचा होगा कि क्या हमारी मेहनत अंजाम लाएगी, क्या इसमें इसका कुछ होगा, क्या ये इसको ऑडियंस देख भी पाएगा या नहीं, ऑडियंस देखे ना देखे वो तो अलग की बात है, देख भी पाएगा या नहीं ये भी प्रश्न उठा होगा। इसलिए सराहना के पात्र है पूरी टीम जिन्होंने इसमें अपनी मेहनत लगाई है, और दूसरी बात ये भी है कि कई बार ऐसी फिल्में जो बनती हैं वो सिर्फ एक इंसान की प्रेरणा के कारण होती है, और उसमें बाकी के सारे जो होते हैं वो शायद अपने दिलोजान से उसमें हो ऐसा नहीं लगता, लेकिन ये टीम में ऐसा महसूस होता है कि हर किरदार ने अपनी मान्यता के कारण इसको इसमें भाग लिया हो, और हर किसी ने उसी एक प्रेरणा से उसमें काम किया हो और इसको अच्छा बनाने में अपना योगदान दिया हो, तो वो दैट इज़ वेरी प्रेज़वर्थी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी संदेश है, ये लोगों तक पहुंचना चाहिए। मेरी अपील तो ये रहेगी कि लोग यहाँ आए देखें, अपने बच्चों को ये फिल्म दिखाएं। हम ये बोल सकते हैं इससे माइंडसेट चेंज होगा सोसाइटी में। मैं चमत्कारों में नहीं मानता, इसलिए मैं ये नहीं मानता कि किसी एक चीज़ से चमत्कार होकर कुछ बदलाव आ सकता है, लेकिन प्रेरणा बहुत ज़रूरी होती है, प्रेरणा और मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी होता है, और वो उतना भी हो जाए तो इंसान फिर एक बार दिशा प्राप्त कर ले तो मंजिल तक पहुंच जाता है। उसको हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम एकदम से उसे उठा के मंजिल पर रख दें, क्योंकि वो कई बार ये रिलक्टेंटली भी होता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसी फिल्म देखकर अगर सत्य की तरफ की यात्रा की शुरुआत भी करवा दे, उतनी भी प्रेरणा ये ऐसे संदेशों में से मिल जाए, तो मुझे लगता है वो पर्याप्त है। सर जितिन सर, अमोशा बंधु बाद आपको काफ़ी सराहा गया था, और मैं डॉक्टर भाई साहब के भी रोल को, तो फिर क्या प्रेशर था और किस तरह का रोल निभा रहे हैं मूवी करने के पहले, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अप्रिशिएशन मिला हुआ है। जो प्रेशर तो नहीं होता है, पर एक एक्टर का यही चाह होती है कि आपको जितने आप रोल्स करो वो एक दूसरे से इतने अलग अलग हों, और इस तरह की फिल्म बहुत ज़्यादा ऐसी स्क्रिप्ट आती नहीं है जिसमें आप पीरियड एक शो कर रहे हैं, पीरियड फिल्म आई है आपके पास में, एक पॉलिटिकल ड्रामा है, कैरेक्टर सब कैरेक्टर्स जो है उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है और एक स्टैंडिंग है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनका बिहेवियर चेंज होता है, और ये जो मैंने कैरेक्टर प्ले किया इसका जो ट्रांजिशन है पूरी फिल्म में शुरुआत से लेकर अंत तक, जिस चीज़ों से गुजरता है, जो सिचुएशंस में से गुजरता है, और इसके जो चेंज आता है आइडियोलॉजी में,
वो बहुत चैलेंजिंग था और बहुत इंटरेस्टिंग था, तो ऐसा कुछ स्क्रिप्ट अगर आएगा तो ज़रूर करना चाहेगा कोई भी एक्टर मुझे लगता है। आपका भी टोटली डिफरेंट रोल रहा इसमें, देखा जाए तो क्या चैलेंजेस क्या क्या आए? चैलेंजेस हर कैरेक्टर एक चैलेंज है, क्योंकि आप हर बार एक नया कैरेक्टर एक किसी और को अपनाते हैं और वो आप दुनिया के सामने दिखाते हैं। तो पोस्टर बॉयज वॉज वेरी डिफरेंट। अभी इसमें सबसे पहला तो चैलेंज, अगर आप चैलेंज बोलते हैं, तो वो था कि ये फिल्म एक्चुअली जैसे सर ने मेंशन किया कि जब ये स्क्रिप्ट देखी थी और ये सामने आया था कंटेंट हमारे, तो यही एक क्वेश्चन मार्क था कि होगा और रिलीज़ भी हो पाएगा और किस तरह से बनेगी फिल्म। लेकिन एक्चुअली ये एक इट्स अ कमेंडेबल जॉब, आई मीन आई कैन से नईम जी ने 4 महीने में फिल्म बनाकर रिलीज़ कर दी, एंड जो भी लोग देख रहे हैं वो आई मीन इट्स बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस कि वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें दे रहे हैं। सो आई मीन हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, फैमिली के साथ आएँ, क्योंकि होता है ना एक ट्रिगर पॉइंट, यू नो कुछ बदलाव के लिए एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है, ट्रिगर पॉइंट बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज़ रियली यू नो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि आई एम अ पार्ट ऑफ दिस मूवी और इस तरह के रोल्स और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस। ये ऐसा रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ही हार्ट वार्मिंग होता है, और आप एज एन एक्टर जब काम करते हो तो ऑब्वियसली आप चाहते हो कि ऑडियंस आपके काम को पसंद करे, पर इस तरीके से जब कोई फिल्म को पसंद करता है, जो स्पेशली सर ने जैसे बोला कि यू नो इससे ज़्यादा बड़ी इंकरेजमेंट किसी एक्टर के लिए या फिल्म मेकर के लिए बहुत कम होती है जब इस तरीके का रिस्पॉन्स मिलता है एक ऑडियंस से ना, जब एक तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं आपके काम को और रिलेट कर पाते हैं उस टाइम के साथ में, वैसा रिएक्शन जब मिलता है तो बहुत ही इनकरेजिंग है और बहुत ही मैं इन लोगों की प्रशंसा में कहना ये चाहूँगा कि आज के दौर में जब हर फिल्म में अपने करियर के प्रोग्रेस के लिए स्ट्रेटजाइज किया जाता है कि मेरी इमेज को क्या होगा और फ्यूचर में मेरे काम को के लिए मेरी इमेज मुझे कैसी दिखानी है, तब ऐसा रोल करके जिसमें एक तरीके से ये एज एक्टर्स इनविजिबल हो जाते हैं, क्योंकि कैरेक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है एक्टर्स के बतौर एक्टर्स उनको ना आइटम सॉन्ग्स मिलते हैं ना कोई झटका लटका मिलता है। तो ये करना और ये सोचना कि भाई हमें इस फिल्म के बाद दूसरी फिल्म के लिए इस फिल्म से क्या मिलेगा और उसके बावजूद ये करना इतनी कन्विंसिंगली, ये बहुत सराहनीय है। दूसरा तो मैं कहूँगा कि एज दी टेक्निकल टीम हर किसी को चैलेंज है, फोटोग्राफर साहब को एक कंपार्टमेंट में शूट करना और ऑडियंस को बोरियत ना हो इस तरह से वो एक छोटे से सीन को हमेशा दिखाते रहना, तो बहुत डिफिकल्ट होता है वो सब। कितना रिसर्च करना पड़ रहा तुषार सर के, पहले बात हुई थी क्योंकि गांधी जी का दादाजी पे फिल्म में पूरा डिपेंड है, तो क्या क्या रिसर्च करना पड़ा इससे थोड़ा? नहीं, मेरा जो कैरेक्टर था उसमें ऐसा कुछ था नहीं कि वो कोई फैक्ट्स के ऊपर कोई बात हो रही है या उसकी जो भी कुछ चाहिए था रिसर्च का वो स्क्रिप्ट के अंदर था। जो वो सोचता है, जो उसकी सोच है, वो वैसा क्यों सोचता है, उसकी परिस्थितियाँ ऐसी हैं, वो सिचुएशंस ऐसी उसके साथ में होती हैं, उसके साथ ऐसे हादसे होते हैं जिसकी वजह से वो वैसी सोच होने लगती है उसकी, तो हर चीज़ का जो आंसर है वो स्क्रिप्ट के अंदर था, तो एज सच कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं थी। पर हाँ, उस आइडियोलॉजी में जाना और वो कैरेक्टर उस टाइम पर कैसे रिएक्ट कर रहा है उस सिचुएशन में, वैसा शायद मैं ना करूँ, तो उस तरीके से अपने आप को समझाना और वैसे उसको प्ले करना, प्ले आउट करना, वो एक काम था जी। एक्चुअली नईम जी ने बहुत रिसर्च किया हुआ था इस प्रोजेक्ट के लिए, मतलब जब वो आए थे तो बिल्कुल सॉर्टेड थे कि ये इस तरह से है, और तो हम लोगों को कुछ भी कैरेक्टर को समझने में कोई तकलीफ नहीं हुई। इट्स जस्ट दैट कि क्योंकि हम 40s का और 48 का हम लोग प्ले कर रहे हैं, तो अपने कैरेक्टर को किस तरह से जस्टिफाई करें कि लोग कनेक्ट कर पाएँ, और शायद कहीं ना कहीं हम लोग को यू नो वी आर सक्सेसफुल कि लोग हमसे कनेक्ट कर रहे हैं, और जब हम ऐसे जाते हैं तो बोलते हैं अरे समीक्षा वो सुधा आप ही थे क्या? मतलब यू नो दैट काइंड ऑफ, क्योंकि देन यू फील लाइक दैट आई एम सक्सेसफुल यू नो कैरेक्टर के साथ, एक हमने जस्टिफाई किया है कैरेक्टर को, सो दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट अबाउट एन एक्टर यू नो टू यू नो जस्टिफाई। कहीं ना कहीं ये देखा, हम ये बोल सकते हैं गांधी जी का आइडियोलॉजी कंटिन्यूसली हम मार रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? इस फिल्म में एक दूसरी प्रशंसनीय बात मुझे ये लगी कि जो बापू की फिलॉसफी थी और जो बापू के ऊपर आज
तोहमतें उठाई जाती है कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, ये हमारा, इससे हमारा नुकसान हुआ, ये वो। उन बातों को मद्देनज़र रखते हुए सामान्य जीवन में, दैनंदिन जीवन में उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं समस्याओं को लाके उनका जो उन्होंने एक प्रैक्टिकल ये दिखाया है कि ये राजनीति में या देश के मामले में वो भले हो, लेकिन हमारे सामान्य जीवन में जैसी जब ये घटनाएं घटती है तो अगर हम ईमानदार हैं तो हम किस तरह से उसके को रिएक्ट करते हैं। जैसे वो 55 करोड़ वाला मामला उन्होंने उठाया और वो बहुत अच्छी तरह से समझा दिया कि जब पैसों की ज़रूरत थी और पैसे थे उठाने को, तो उनके ज़मीर ने उनको उठाने नहीं दिया। और उसी के साथ 55 करोड़ को जब ज्वाइन कर दिया जाए, रिलेट करके देखा जाए, तो फिर वो हमें समझने में ज़्यादा आसान हो जाती। वैसे ही हम क्यों एक साथ रह रहे हैं, क्यों ये ज़रूरी है कि हम एक साथ एक दूसरे को समझ के रहे, वो सारी बातें ऐसे इंसिडेंट्स में, लाइफ स्टोरी में बताकर उनको बहुत समझने के लिए आसान बना दिया। ये बहुत मुश्किल बात है, ये करना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन जब वो आसान हो जाए तो समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये एक चीज़ है जो इस फिल्म की खूबसूरती है। मेरे को एज अ एक्टर हमेशा जो एक्साइट चीज़ करती है वो प्रोसेस करता है, उसका इवेंचुअली क्या रिजल्ट होता है वो तो हमेशा आप हर जो काम करते हैं उसमें आप चाहते हैं कि अच्छा ही हो, रिलीज़ हो, लोग पसंद करें, सब कुछ हो। पर ऐसा एक्साइटिंग जब आपको रोल मिलता है या एक ऐसा कैरेक्टर मिलता है और स्क्रिप्ट मिलती है जिसमें आप यू कैन रियली यू नो सिंक योर टीथ विद इन इट एंड रियली जूस इट आउट, तो उससे फिर आप रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो जाते हैं, आप उस प्रोसेस ओरिएंटेड हो जाते हैं कि मुझे ये करना है। और स्पेशली एक पीरियड फिल्म और जिसमें एक यू नो आप एक आइडियोलॉजी लेके चल रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ भी होगा, तो वो एक बेसिक वो था। तो इतना कोई प्रेशर था नहीं कि अब क्या होगा, इसका रिलीज़ होगी या नहीं होगी या क्या होगा। दूसरा क्या कौन सी बात छू गई लेकिन हाँ स्क्रिप्ट में कि हमें ये मूव जो करना ही स्क्रिप्ट, उसका जो ट्रांजिशन है ना कैरेक्टर का, वो मुझे बहुत प्यारा लगा कि कैसे वो एक रिजिड होते हुए भी एक फ्लेक्सिबल कैरेक्टर है, क्योंकि उसके साथ में जो हो रहा है वो बहुत लीडर टाइप का नहीं है कि मैं ऐसा हूँ, जो अक्सर एक एवरेज नॉर्मल कॉमन मैन के साथ होता है कि हम अपने आप सब लोग इतने ज़्यादा हेड स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं कि हम चीज़ें होती हैं, पर उनके साथ में ऐसे सिचुएशंस में फंस जाते हैं वो, और उनके कैसे वो रिएक्ट करते हैं और वो कैसे एक मॉब मेंटेलिटी के साथ में होते हुए इधर भी घूमते हैं, उधर भी जाते हैं, इधर भी गिरते हैं, तो उस तरीके से फिर उस वजह से उसका जो ट्रांजिशन होता है जहाँ जहाँ उसके जो जो होता है उसके साथ में, वो बहुत एक्साइटिंग था। एक्चुअली ऑनेस्टली जब मैंने स्क्रिप्ट देखा था ना, तो सुधा के लिए ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा करने के लिए था नहीं फिल्म में, लेकिन क्योंकि ये जो कंटेंट है ये बहुत डिफरेंट है, मतलब आप कमर्शियल मूवीज़ तो करते ही रहते हैं, उसमें कुछ ऐसा कुछ बहुत ऐसा चैलेंज जैसा कुछ है नहीं, लेकिन जब मैं पूरा पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आई हैव टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज कि नाउ आई हैव टू परफॉर्म इन सच अ वे कि ये रोल इंटरेस्टिंग हो जाएगा। एंड मैंने इस रोल को इसी तरह से लिया कि कुछ ना होते हुए भी लोग इसकी तारीफ़ करेंगे, यू नो मुझे कुछ ऐसा डिफरेंट करूँगी कि इतना इम्पोर्टेंट ना होते हुए भी ये रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो शायद मैं कहीं ना कहीं वहाँ पे भी आई एम वेरी हैप्पी कि लोग आ रहे हैं, बोलते हैं कि बहुत अच्छे फीडबैक की समीक्षा, आप सुधा के रोल में एकदम बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं करने के लिए, लेकिन जितना था बहुत एप्ट था और उससे आपने बहुत अच्छी तरीके से उसको प्ले किया। एंड या वन क्वेश्चन, आई मीन आपने पूछा वो रिलीज़ का, मेरे को वो पॉइंट था, मतलब आई यू नो मेंशन्ड अर्लियर आल्सो कि वो था एक कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक्टर्स को बहुत ज़रूरी है कि आप दिखें, आप अपनी जो आपने किया है वो दिखाएं लोगों को, सो वो डर छोटा सा मेरे मन में था, बट
नईम जी का कन्विक्शन देख के जो प्रोसेस, जैसे जतिन ने मेंशन किया, वो प्रोसेस जिस तरह से हमने काम किया, प्लस वो सिनेमेटोग्राफी, शांति जी ने जिस एंगल के साथ, पता एवरीबडी वॉज सो सीरियस अबाउट द वर्क, मुझे लगा कि हम आई एम ऑन द राइट पाथ एंड हम जो बना रहे हैं प्रोजेक्ट और हम जो लोगों को दिखाना चाहते हैं वो डेफिनेटली हम कर पाएंगे. सो दैट वाज द कन्विक्शन. सर क्या आगे चलते पॉलिटिकल पे डिपेंड है, तो कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है, क्योंकि इंडिया में नॉर्मली हो जाता है, मूवी रिलीज होने के बाद भी हो जाता है, आपको लगता है कि हो सकती है? ये इस फिल्म में कंट्रोवर्सी होने लायक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कंट्रोवर्सी हो सके, क्योंकि बेसिकली इस फिल्म की आत्मा रिकन्सिलिएशन की, कि हम आपस में फिर से मिले, हम बिछड़े हैं लेकिन हम फिर से मिले, समझौता हो. इसलिए मुझे नहीं लगता कि कंट्रोवर्सी के लिए यहाँ कोई भी ऐसी कोई वजह हो सकती है. लेकिन आज के हालात में कहा नहीं जाता, आज के हालात में कौन क्या कैसे रिएक्ट करता है ये कभी कहा नहीं जाता. लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कंट्रोवर्शियल कोई चीज़ हो जिसका किसी को, जिस पे किसी को एतराज़ हो सके. थिएटर में बैठी हुई ऑडियंस के अपने आप पे रिलेट कर पाएगी मूवी खुद पे? मुझे लगता है हाँ कर पाएगी, अगर वो इस फ्रेम ऑफ माइंड से आती है तो. ये अगर थिएटर में वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आती है तो वो इसमें टिक नहीं पाएंगे, पर अगर वो ये समझ के साथ आते हैं कि ये फिल्म हमें सोचने के लिए देखनी है तो वो इसको अप्रिसिएट जरूर करेंगे. मेरे लिए ये फिल्म का USP है वो उसकी टाइमलीनेस है, उसकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जो हालात इस फिल्म के बैकग्राउंड में उस ज़माने के हैं वो मैं आज का इंसान, मैं तो पहले का हूँ, मुझे पहले के दौर का मालूम है, लेकिन मैं आज के ज़माने का इंसान होता तो मुझे आज के साथ उसको रिलेट करने को बहुत सारे मुद्दे दिखते, समझता मैं कि अरे जो अभी हो रहा है वही तब भी हुआ था. और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये लिंक होगा तब आपका कनेक्शन उस फिल्म के साथ होगा और तब आप उस फिल्म का सेंट्रल जो मैसेज है उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे. थीम जो है ना, एक मिनट, इसका जो थीम है, इसका जो बेसिक वो है ऑफ पीस और ब्रदरहुड, वो इसका USP है. तो जो बेसिक इसका जो स्क्रिप्ट है और जो बोल रहा है ना, ये फिल्म जो बोल रही है, कह रही है, वो इसका USP है. देखिए मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आई एम सॉरी, पर मेरे लिए सबसे इसमें इम्पोर्टेंट ये बात है कि ना बापू की हत्या पे बापू के वारिसों ने कभी बदले का सोचा, और ना इस फिल्म के हीरो की माँ की हत्या पर उस फिल्म का हीरो बदला चाहता है. वो बदलता है, बदला नहीं चाहता. ये बहुत ज़रूरी है आज के समाज में दिखाने के लिए, क्योंकि आज हम एज अ कलेक्टिव 5000 साल पहले के बदले लेने की सोचते हैं. मुझे लगता है कि ये इस फिल्म में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है. सबसे पहली बात, कंट्रोवर्सी फ्री फिल्म है, क्योंकि आजकल फिल्में चलाने के लिए कंट्रोवर्सी किया करी भी जाती है कि फिल्म लोग तो आए देखने के लिए. तो इसमें हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, कंट्रोवर्सी कभी होने वाली नहीं, कि कुछ है ही नहीं इसमें ऐसा. इस फिल्म की जो थॉट है वो अपने आप में बहुत मजबूत है, कि हमें कुछ नेगेटिव फैलाने की, किसी तरह की कोई कॉन्ट्रोवर्सी करने की ज़रूरत ही नहीं है. जस्ट वर्ड ऑफ माउथ, लोग बोलेंगे बाहर, और जैसे जैसे लोग आएंगे, जैसे आप लोग सब अप्रिशिएट कर रहे हैं मूवी को, ऐसे ही करेंगे. दैट इज़ ओनली द USP. हम चाहते हैं जितने ज्यादा लोग आके देखें, जो लोग देखेंगे और हमारी इंडस्ट्री के लोग जितने ज्यादा से ज्यादा देखेंगे सबके लिए अच्छा है. मुझे लगता है कि ये फिल्म एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में दिखानी चाहिए. हमारे बच्चों को और हमारे विद्यार्थियों को ये फिल्म देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके लिए उस ज़माने की जो का जो इतिहास है, उस ज़माने की जो सामाजिक स्थिति परिस्थिति थी, उसकी एक झलक उनको इसमें से दिख सकती है. बच्चे हिस्ट्री से रूबरू हो जाएंगे. हाँ, उनको होना चाहिए, ज़रूरी है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू.
Global Advertiser for innovative outdoor solutions.